विशेष ये कहना है कि अडॉप्ट अ वॉलंटरी पी प्रियर कैंपेन बी अ गार्डियन ऑफ ग्रीन्स, ये लेने का मकसद यही था कि हम मिलजुल के अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते हैं, लाइक माइंडेड पीपल को इकट्ठा करते हैं, तो इसकी डिलीवरी जो देनी है, क्योंकि आज अभी भी हम पैंडेमिक में है, वी आर ओवरलोडेड, बट स्टिल वी वॉन्ट दिस सिटी टू बी ब्यूटिफाइड इन सच ए वे दैट वी शुड बींग अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, बींग अ लोकल रिप्रेजेंटेटिव, वी शुड प्रमोट दिस एक्टिविटीज़। जो मुंबई को कमर्शियल हब बनाते हैं, जो टैक्सेस आते हैं, तो तभी आते हैं जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगी, फॉरेन लोग आएंगे। आप देखेंगे जूहू चौपाटी पे कम से कम दिन में 10,000 लोग विजिट करते हैं, तो वो 10,000 लोगों के अंदर में जो अपनापन आएगा कि यहाँ पे एक नया नेचर, यहाँ पे नया ब्यूटी बन रही है, तो दैट ब्रांडिंग फॉर द होल सिटी, आई विल से नॉट फॉर बीएमसी, दैट ब्रांडिंग विल टेक मुंबई एज अ कमर्शियल कैपिटल। सो उसमें हम सब मिलके काम कर रहे हैं, आप सब यहाँ पर जुड़ रहे हैं, सीनियर पी आई गनोरे सर, उनका हमेशा हमारे साथ कोऑर्डिनेशन ही रहता है, अभी उनके माध्यम से भी यहाँ पे एक चौकी बन रही है, वो भी काफ़ी ब्यूटीफाई होके आई थिंक अ न्यू लोकेशन विल बी हेयर, सेम प्लेस लेकिन अलग एक अपीयरेंस आपको कुछ ही दिनों के बाद वहाँ यहाँ पे दिखेगा, द होल एरिया स्ट्रीट एंड ऑल दैट। सो वंस अगेन आई थैंक यू ऑल ऑफ यू, ये कैंपेन ऐसे चलता रहेगा, आप हमेशा जुड़ते रहेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अनिश मकवानी सर से कि वो और बात रमेश सर देन राम सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक अवर वार्ड ऑफिसर आई थिंक मिस्टर राम यादव एंड मिस्टर जैन ऑफ इंटीग्रो। जैसे दांडी मार्च का वहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हैं, वो एक रेवोल्यूशन था। मुझे लगता है कि वार्ड ऑफिसर के नेतृत्व में हम लोग एक नया के वेस्ट में ब्यूटिफिकेशन का रेवोल्यूशन करेंगे, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। और ये बहुत अच्छा स्पॉट है, आई थिंक घनौरी जी इज़ ऑल्सो देयर। मैं घनौरी जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप थोड़े आपके ऑफिसर जो है इसकी देखभाल करें, बिकॉज एंटी सोशल एलिमेंट जो है इतना अच्छा ब्यूटिफाई जो प्लेस किया है उसको हार्म नहीं कर सके। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जब से चुन के आए हैं तो आई थिंक वी हैव इन्वॉल्व मोर एंड मोर सिटीजन्स इन डेवलपिंग प्लेसेस, एंड आई रियली थैंक राम यादव जी, वार्ड ऑफिसर जी, एंड आई थिंक ऑल द पीपल हु हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर दिस, बिकॉज ये जो फंड हम यहाँ पर यूज़ कर सकते थे वो CSR के माध्यम से वार्ड ऑफिसर साहब ने हमको थोड़ा सा गाइड किया और CSR फंड यूज़ किया, ताकि जो मेरा नगर सेवक निधि है वो अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए यूज़ कर सकूँगा। और मुझे ऐसा लगता है कि वार्ड ऑफिसर का सपोर्ट हमेशा हमारे साथ रहा है, आई कॉन्ग्रेचुलेट टीम, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि पूरे मुंबई में ऐसा कहाँ पर मतलब इतना अच्छे से काम हो रहा है। और मैं वार्ड ऑफिसर को एक और बार कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, घनौरे साहब हमेशा जो हमें साथ देते हैं, राम यादव जी, जैन जी, मिस्टर भट्टाचार्य जी, एंड आई थिंक ऑल द डिग्नेटरीज, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड थैंक्स फॉर बींग अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल इनिशिएटिव। थैंक यू, थैंक यू। अनुपम, आई वांटेड टू आस्क यू हाउ इम्पॉर्टेंट इज द ओनरशिप, जब हम बोलते हैं कि हमने अपना काम कर दिया, एंड बींग अ सिटीजन ऑफ मुंबई और बींग एन इंडियन, हाउ इम्पॉर्टेंट टू टेक अ ओनरशिप ऑफ एनीथिंग, यू नो? सर देखिए, जो कुछ जो चीज़ खूबसूरत होती है, जैसे मुंबई है, सब यहाँ पर आना चाहते हैं, सब यहाँ से कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं, है कि नहीं? तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ऑल्सो टू बी रेस्पॉन्सिबल। जैसे हमारे इतने सारे वॉरियर्स हैं जो इस चीज़ को इतना इनिशिएटिव दे रहे हैं, अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, लेकिन इट इज़ अप टू द सिटीजन्स, इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप इट ब्यूटिफुल, ठीक है ना? ये उनका भी एक कर्तव्य बनता है कि इसके साथ जैसे इसको डैमेज ना करें, कभी इसको हार्म ना पहुँचाए, जैसे कि मकवाना साहब ने कहा है। तो ये रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है, साफ़ सफाई ये ना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि शहर हमें सिर्फ दे, हमें भी शहर को कुछ देना चाहिए, एंड दैट इज़ व्हाट आई फील इज़ अ पार्ट ऑफ आवर सिटीजन्स। मोटे साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, यू नो दिस NGO ऑल्सो इन्वॉल्व, मेगा फाउंडेशन, हाउ इम्पॉर्टेंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अर NGO? लोग तो आप साथ में जुड़ रहे हैं, लेकिन एक NGO के बारे में अगर आप कुछ बता सकें वो कितना इम्पोर्टेंट है? या डेफिनेटली मेरा यही कंसेप्ट है कि जिस वार्ड में मैं काम करने चाहता हूँ, तो मैं लोकल सिटीजन्स, लोकल NGO और लोकल रेसिडेंट्स को लेके ही जाने की कोशिश करता हूँ। अपने इस कैंपेन में मेक अर्थ ग्रीन अगेन मेगा फाउंडेशन के माध्यम से अनुषा मैडम, नंदिनी जी जुड़े हुए हैं, सिद्धांत है, वेदांत है, और वृक्ष नर्सरी के अपने शान लालवानी जी है, ये दोनों भी यहीं से है।
वो दैट इज प्राउड फीलिंग कि अपने आप एक इंकल्केशन ऑफ वैल्यू जो बोलते हैं या कन्वेइंग कम्युनिकेशन जो होता है वो अपने आप वो कर रहे हैं, तो ऐसे काम में हमेशा वो हमारे साथ रहे. वी रियली थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ हार्ट एंड आई रिक्वेस्ट राम सर फ्रॉम इंडिग्रो टू से समथिंग. मुझे एक पॉइंट रह गया. अगर आप यहाँ पे देखेंगे हार्ट वर्क लाइफ बीएमसी या पुलिस जो भी गवर्नमेंट में मशीनरी है वो नॉन स्टॉप 24/7 काम करते आते रहते हैं. पैंडमिक में काफ़ी नागरिकों को समझ में आया कि रियली हम काम कर रहे हैं. तो वर्क लाइफ ये जो बैलेंस है ये बैलेंस हमारा काफ़ी बार ड्यू टू हेक्टिक शेड्यूल एंड नॉन स्टॉप वर्किंग वो ढल जाता है. तो इसको बैलेंस करने के लिए ये जो थीम है जो राम सर का जो ऑफिस है वो परेल में है, आदेश्वर महल, एक बहुत पुरानी बिल्डिंग, यू कैन से खंडर जैसी बिल्डिंग को हेरिटेज पूरा रीइन्वेंट किया है, उसको पूरा डिस्कवर पूरा रीवैम्प किया है. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अनिश जी को भी रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी आप वहां पर जाइए. तो उनका जो थीम है दैट इज़ आर्ट वर्क लाइफ. आज तक हम वर्क लाइफ के बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे बट नाउ आई रियलाइज दैट टू बैलेंस द वर्क एंड लाइफ आर्ट इज़ वेरी इसेंशियल एंड इंटेंशनली दे हैव पुट इट फर्स्ट बिकॉज विच इज वो अभी कहीं तो मिस हो रही है अपनी लाइफ में. रोज की भागन दौड़ी में आर्ट कहीं तो मिस हो रही है. आर्ट डजेंट मीन दैट वहीं पे या कोई म्यूजिक या नथिंग, ये भी इसको मेंटेन करना, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना ये भी आर्ट है. लोगों के साथ जुड़ना, डायलॉग करना ये भी आर्ट है. तो अर्बन गवर्नेंस की जब मैं बात करता हूँ तो इसी में सब ये स्टेक होल्डर्स आते हैं. तो इसमें आर्ट लाइफ आर्ट वर्क एंड लाइफ उन्होंने किया है बैलेंस, इसलिए मैं पूरा उनका शुक्रगुजार हूँ. उनके पीछे पर्दे के पीछे रमेश जैन सर इज़ अ ब्रेन, उनके पीछे की जो है वो है निकेत देशपांडे हु इज़ अ सिस्टम आर्किटेक्ट, ही हिमसेल्फ हैज़ पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन दैट. तो अभी मैं ओवर करता हूँ राम सर के लिए टू शेयर हिज आइडियाज. सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मोटे सर को और अनिश जी को, बिकॉज़ हम लोगों ने कुछ अलग नहीं किया हुआ है, जो था बस उसी को ट्रांसफॉर्म किया हुआ है. एंड हम होप करते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ आज के लिए नहीं हो बट यहाँ पे जितने लोग हैं जो यहाँ आते जाते हैं जो हैं सर हैं यहाँ पे उसको और अच्छे से मेंटेन करें और अच्छे से ब्यूटिफाई करें. एंड वी आर वेरी हैप्पी टू पार्टिसिपेट इन आवर ओन small way to start transforming places in a smallest possible manner so that the whole city gets transformed, and that's our objective. Thank you. इस इनिशिएटिव से जुड़े सभी लोगों का मैं पहले तो स्वागत करता हूँ और मैं ये डिक्लेयर करता हूँ आज से मैं भी जुड़ गया आपके साथ. जो भी कुछ है सब देखभाल की जिम्मेदारी मुझे कॉर्पोरेटर साहब ने दी है तो 100% पुलिस को निभाएंगी और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे ये सब जो एरिया है मुंबई है स्वच्छ और सुंदर कैसी हो इसके बारे में पुलिस भी प्रयास करेगी. आप सभी का धन्यवाद. जय हिंद. थैंक यू. सबसे बढ़िया बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर सिविक अथॉरिटी, यहाँ के रेजिडेंट और यहाँ के पॉलिटिशियन, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे है और व्यापार जगत के दिग्गज वो भी साथ में है, आर्किटेक्ट साहब भी यहाँ पर साथ में है और यहाँ के कुछ अड़ोसी पड़ोसी जो इन जगह को किस तरीके से साथ संभाल करके रख रहे थे वो सब साथ में है. यहाँ पे अपने और पराये का कहीं पर कोई भेद नहीं है और यही एक सिंपल सा मैसेज है कि सब मिलके साथ में काम करके हमको एक राह पे चलना है तेरा मेरा मिटा करके और सब चीज़ को ऊपर उठा करके लेके चलना है. मेरी रिसेंटली मुलाकात हुई गनौरी साहब के साथ में, ये यहाँ पर जो पी चौकी का मुहिम इतनी बढ़िया करी हुई है तो हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया तो दिस इज वन यूनिट और इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक एक्सपीरियंस जो है हम लोग यहाँ पर बढ़ाते चले जाएंगे और
मोटे साहब ने बहुत अच्छे तरीके से वार्ड के अंदर इनिशिएटिव जो लेकर के चले हैं उन इनिशिएटिव के साथ में हम लोग उन चीज़ों को और आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। मेरी कॉर्पोरेटर साहब के साथ जो मुलाकात हुई, इतने यंग इतने डायनामिक लोग बात जिन्होंने कई साल पहले से ये शहर के धारा सबका समझवाया था, लेकिन ये हो गया कि हो सकता है कि सब लोग आइसोलेशन में बैठे हुए थे, लेकिन हम अब सब मिलजुल करके एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। बस ये इस कारण से अब नया बदलाव इसमें आएगा और देखने में सबको आनंद आएगा। लेकिन कितना बिस्तार हालत में पड़ा हुआ है और आई कॉन्ग्रेचुलेट एवरीबडी एसोसिएटेड विद इट एंड एवरीबडी सेड दैट इट इज आवर ड्यूटी टू कीप इट ब्यूटीफाइड एंड इवन मोर एंड मोर देखभाल उसके करके हम उसको आगे बढ़ाए, पूरी सिटी बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। थैंक यू भैया। थैंक यू सर। हॅलो हॅलो सर, तुम्ही थांबा ते युवराज काम आहे राम सर दोनों के आते हैं थोड़ा नीचे रखिए। आर्किटेक्ट इज ऑल्सो रेसिडेंट ऑफ के वेस्ट, येस, सो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। शी इज कॉन्जर्वेशन आर्किटेक्ट, सो शी नोज वेरी वेल अबाउट गिल्बर्ट हिल, स्टार्टिंग फ्रॉम गिल्बर्ट हिल, इसका भी पूरा उनके पास हिस्ट्री है। शी हैज वर्क, सो आर्किटेक्ट इज रेसिडेंट मीडिया एज वेल एज पी आर एजेंसी, देन एन जी ओ मेगा अर्थ वृक्ष नर्सरी, ऑल आर रेसिडेंट ऑफ के वेस्ट। दैट्स द थिंग विच वी इंटेंड टू बी टुगेदर। के वेस्ट इज वेरी लकी, आत्मनिर्भर के वेस्ट। बोल भाई लोग इधर एवरीबॉडी नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ नीचे, नीचे बैठ जाओ। थैंक यू यार।